मैं 3 अक्टूबर को शौकत के साथ एक्टिव हुआ सोपोर में। फिर जब वहाँ से हम घर वालों के घर में जाते थे, वो ज़बरदस्ती इनसे जगह लेते थे। कोई घर वाला कोई देता था घर वाला जगह, लेकिन मैक्सिमम जो घर वाले थे वो जगह नहीं देते थे। फिर ये इनसे ज़बरदस्ती जगह लेते थे। वो घर वाले भी परेशान होते थे कि ये जिहाद करने निकले हैं या कुछ और। फिर मैंने वहीं पर तसव्वुर किया कि ये गलत रास्ता है, ये कोई जिहाद नहीं है। मेरे माँ को माइनर हार्ट अटैक आया था। फिर मैंने इनसे बोला कि मैं घर वापस जाऊँगा, लेकिन इन्होंने बोला कि आप घर वापस नहीं जा सकते हो। फिर इन्होंने उसी दिन वायरल किए फ़ोटो, उसी शाम को वायरल किए फ़ोटो। फिर जब वहाँ से इन्होंने बोला कि आपको अब साउथ जाना है, फिर हम पटन में वो जब चेकिंग चल रही थी उसी टाइम पकड़ा गया मुझे, और दूसरा जो साथी था शौकत उसने ग्रेनेड फेंका। और वहाँ पर जो भाई बहन थे सिविलियन थे, इस पुलिस थे आर्मी थी, वो भी शदीद ज़ख्मी हुई। फिर मुझे वहाँ पर भी पता चला कि ये कोई जिहाद नहीं है। किसी इंसानियत को ख़त्म करना, किसी इंसानियत को तकलीफ़ पहुँचाना, ये कोई जिहाद नहीं है। फिर जब मुझे पुलिस ने पकड़ा तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहा J&K पुलिस का भी और अल्लाह ताला का भी कि मैं ज़िंदा पकड़ा गया। मेरे घर वालों ने जब सुना कि ये ज़िंदा है अभी, तो वो भी बहुत खुश हुए। अपने भाइयों को अपील करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी ये इसका जहन एक्टिव होने का जहन बनाया, जिहाद करने का जहन बनाया है, ये कोई यहाँ कोई जिहाद नहीं है।